अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शास किचन। और आज की रेसिपी है काले चने की चाट की। और रमज़ान में इस तरह के काले चने की चाट बनी हुई तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। ख़ास तौर पे हमें तो ये बहुत ज़्यादा पसंद आती है। हम आज इसको थोड़ा सा स्पाइसी और सॉसी से बनाने जा रहे हैं और ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। चलिए हम आपको बताते हैं कि इसके लिए हमने क्या क्या चीज़ें ली हैं। हमने जो है काले चने लिए थे जिसको हमने सारी रात के लिए भिगो दिया था नमक और सोडा डाल के, और इसको हमने दूसरे दिन खूब अच्छे से बॉईल कर लिया सॉफ्ट सॉफ्ट सा। और एक पैन में हम 2 टेबलस्पून के करीब ऑयल लेंगे। इसके अंदर हम डालेंगे एक मीडियम कटी हुई प्याज जिसको हमें ब्राउन करना है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, लाइट ब्राउन करना है। जब प्याज ब्राउन हो जाएगी इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 1/2 टेबल स्पून ज़ीरा, और ज़ीरे को भी हम थोड़ी देर के लिए फ्राई करेंगे। जब ज़ीरा फ्राई हो जाएगा तो फिर हम इसके अंदर ऐड कर देंगे बॉयल हुए हुए काले चने। काले चने ऐड करके हम इसको थोड़ी देर के लिए पकाएंगे, और इसके अंदर हम फिर ऐड करेंगे उबले हुए आलू जिनको हमने उबाल लिया था, वो आलू। नमक टेस्ट के हिसाब से 1 टेबल स्पून हम यहाँ पे लाल मिर्च डाल रहे हैं, और हम चाट मसाला पाउडर डाल रहे हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। हमें थोड़ा सा स्पाइसी चाहिए तो हम यहाँ पे रेड चिली भी यूज़ करेंगे, बाद में हम ग्रीन चिलीज भी यूज़ करेंगे। और ये इमली का पल्प था वो डाला हमने, और थोड़ा सा पानी डाल दिया क्योंकि हमें थोड़ा सा मसाले वाला चाहिए, तो इसलिए हमने पानी का यूज़ किया है। आपकी मर्ज़ी, अगर आप सूखा रखना चाहते तो आप ना डालें इसमें पानी। और बस अब हम इसको ढक के थोड़ी देर पकने देंगे, सिर्फ 5 मिनट हम इसको पकने देंगे। और ये मज़ेदार से काले चने की चाट जो है वो बहुत जल्दी से तैयार हो जाएगी। और इसके लिए हमने जो थोड़े से गार्निशिंग के लिए और थोड़ा सा और ज़्यादा टेस्ट को एनहांस करने के लिए हमने चीज़ें ली हैं, हरा धनिया, प्याज लिए हमने चॉप्ड हुई, और टमाटर है छोटे छोटे पीसेस काटे हैं, ग्रीन चिली है और लेमन है। बस अब हमारे मम्मी आने वाला है पानी, और ये मज़ेदार से छोले की चाट जो है उसके ऊपर हमने पापड़ी भी डाली है, और अलग से भी हम इसके ऊपर चाट मसाला डाल के उसको हम इस तरीके से सर्व करेंगे। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।